इस बार खड़गे जी बड़ा विशेष बोल रहे थे और कह रहे हैं कि मैं, मुझे तो कह रहे हैं कि मैं उस पर बोलूं, इधर उधर ना बोलूं, लेकिन वो क्या बोले हैं उसको भी एक बार चेक कर लिया जाए। सदन में कहा गया कि कांग्रेस ने भारत की बुनियाद डाली और भाजपा वालों ने सिर्फ झंडा गाड़ दिया। आदरणीय सभापति जी, ये सदन में ऐसे ही हंसी मजाक में कही गई बात नहीं थी, ये उस गंभीर सोच का परिणाम है और वही देश के लिए खतरनाक है। और वो है, कुछ लोग यही मानते हैं कि हिंदुस्तान 1947 में पैदा हुआ है और उसी के कारण ये समस्या होती है और इसी सोच का परिणाम है कि भारत में पिछले 75 साल में जिसको काम करने का 50 साल मौका मिला था उनकी नीतियों पर भी इस मानसिकता का प्रभाव रहा है और उसी के कारण कई विकृतियां पैदा हुई है। ये डेमोक्रेसी आपकी मेहरबानी से नहीं है, हमारे कुर्बानी से है। और आपको 1975 में डेमोक्रेसी का गला घोंटने वालों को डेमोक्रेसी का गौरव, आदरणीय सभापति जी, ये 47 में पैदा हुए हैं ना, ऐसी जो सोच वाले लोग हैं उन्होंने एक बात दुनिया के सामने गाजे बाजे के साथ कहनी चाहिए थी, वो कहने से कतरा गए। हमें गर्व के साथ कहना चाहिए था कि भारत, मदर इंडिया, ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी डिबेट ये भारत में सदियों से चल रहा है और कांग्रेस की कठिनाई ये है, डायनेस्टी के आगे उन्होंने कुछ सोचा ही नहीं कि उनकी परेशानी, और पार्टी में जो डेमोक्रेसी की बात करते हैं ना वो जरा समझे, भारत के लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा परिवारवादी पार्टियों का है, ये मानना पड़ेगा। में भी जब कोई परिवार सर्वोपरि होता है तब सबसे पहली कैजुअलिटी, जब पार्टी में भी कोई एक परिवार सर्वोपरि हो जाता है तो सबसे पहली कैजुअलिटी टैलेंट की होती है। देश ने अरसे तक इस सोच का बहुत नुकसान उठाया है। मैं चाहता हूं कि सभी राजनीतिक दल लोकतांत्रिक आदर्शों और मूल्यों को अपने दलों में भी विकसित करें, उसको समर्पित करें और हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी के रूप में कांग्रेस इसकी जिम्मेवारी ज्यादा उठाएं।